रामनगर फाटक पर मां बेटे ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतकों की पहचान किशनपुरा की रहने वाली तृप्ता देवी और उसके बेटे रमन के तौर पर हुई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना जीआरपी की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। इस मामले की जांच करते हुए अधिकारियों ने बताया कि तृप्ता और रमन ने किन परिस्थितियों में सुसाइड की है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि मौके पर उन्हें कोई सुसाइड नोट या अन्य वस्तु बरामद नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामला इतना भी अच्छे से सानू मैसेज आई सी 10 बजे रेल वालों फिर रामनगर फाटक के लागे एक जेंट्स से एक लेडीज गड्डी थले आ गए ने ते अही मौके ते गए हैं जाके देखा ते गड्डी टाउन लाइन दे विच कार एक जेंट्स ते एक लेडीज दी डेड बॉडी पई सीगी ते उन्होंने देखा कोई रेलवे एक्सीडेंट का मामला लगता है पर कहा देखो उन्होंने शनाख्त हो गई है बस मौके पर आ गए हैं जिदा का भी मामला सामने आया वो बनती कार्रवाई की जाऊगी। तो जोड़ा लड़का है वह ना है रमन तो लेडी का ना है तृप्ता ये दोनों ही पता लगा भी माँ पोती है किशनपुरे के रहने वाले।